हाँ देखो, ये आपको उसी तरह से मैंने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर वही एग्जांपल लिया है सब्सक्रिप्शन वाला, लेकिन अब मैंने अमाउंट वही लिए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, लेकिन मैंने ये लिया है कि अब हमने 37,000 रिसीव करने की बजाय पेमेंट की है टू द क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसन। क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसन ये वर्ड इसमें इसलिए लिया गया है कि आपने मेडिसन्स आई होंगी, उधार आई होंगी, नकद आई होंगी, लेकिन आप साल के साल जिन लोगों को पेमेंट करते रहे टोटल वो तो हो गए 37,000, ठीक है, क्योंकि मेडिसन्स पहले आ गई, क्रेडिटर्स बन गए, फिर हमने उनको पेमेंट कर दी, कुछ मेडिसन्स आप कैश परचेज दे कर लिया है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। हो सकता है आपको अमाउंट पेड इन कैश भी लिखा हो। अच्छा, ये हो गया मेडिसन्स का। फिर अब आपको देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्रेडिटर्स फॉर 2018-19 2500 थे, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर 4300, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने दिखाया था कि जो पेमेंट है वो हमने 4300 की ही की, 2500 की थी लेकिन मैंने 2300 की थी, यहाँ पर हमने माना कि सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी गई, ठीक है ना। क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर 4300, ठीक है। अमाउंट पेड इन एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसन्स इन 2019-20 2500, कि हमने इस साल जो पेमेंट इन एडवांस की है वो 2500 की है, और 18-19 में जो हमने एडवांस पेमेंट की थी वो 3200 की थी। अब आप मुझे इन चारों में से बता सकते हो कि कौन सी पेमेंट ऐसी है, कौन सा इसमें ट्रांजैक्शन है जिसकी हमने मेडिसन्स इस साल रिसीव की होंगी, जिसके अगेंस्ट मेडिसन्स हमें इस साल मिली होंगी, बताओ कौन कौन से, कितने रुपए की मेडिसिन हमें इस साल मिली होंगी इन ट्रांजैक्शंस में से। मैम जो क्रेडिटर्स एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन 2018-19, हाँ ये मेडिसिन हमारी इस साल आई होगी। yes, और कौन सी आई होगी? क्रेडिटर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, हाँ जो करंट ईयर में क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिटर तभी बने क्योंकि हमने मेडिसिन इस साल हमने उनकी रिसीव कर ली होंगी। अब आप और इसके बाद इन्होंने देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सब्सक्रिप्शन में नहीं थी, क्योंकि ये स्टॉक बनता है हमारा, उसमें से कुछ सामान हमारा बच जाए तो नेक्स्ट ईयर यूज़ हो जाता है, मतलब क्योंकि ये है तो एसेट ही ना, लेकिन ये कंज्यूमेबल है, लंबे समय तक नहीं चलेगी, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 12,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 7,000। कई बार इसमें ना सेल भी दे देते हैं कि सेल भी हुई तो आपको वो भी माइनस करके कंजम्पशन निकालनी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आपको मिलेगा। अब आपने आगे क्या करना है देखो, अरे ये हाँ जी, टोटल अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 37,000 आ गया, लेस क्रेडिटर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2500, क्योंकि पूरी पेमेंट कर दी हमने, सब्सक्रिप्शन में दिखाया था कि 2300 रुपीज़ आए थे, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि हमने क्रेडिटर्स को पूरा पे कर दिया, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी। अमाउंट पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर 2500, ये कहाँ से पता लगा, ये क्या है, ये दोनों अमाउंट क्या है, ये कि हमने पेमेंटें की हैं इस साल, इन दोनों की पेमेंट्स की हैं, बट हमें सामान नहीं मिला इसका। yes, तो सामान हमें कितने रुपए का मिला, 32,000, ठीक है। इसमें मैंने क्रेडिट परचेज की है, यानी जो हमने क्रेडिटर लास्ट में रहे वो क्या है एक्चुअली में हमारी क्रेडिट परचेज, कितने की, 4300, ठीक है। फिर मैंने ऐड अमाउंट पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, नहीं प्रीवियस ईयर होना था यहाँ पर, ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया होगा ना, प्रीवियस ईयर है ये, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कि हमने पेड इन एडवांस था, कब पे किया था, प्रीवियस ईयर में पे किया था, उसकी मेडिसिन तो इस साल आई होंगी ना, 3200 रुपये वो ऐड कर दिया। yes, तो अब मुझे क्या निकलेगा मेरा, हमने क्या निकाला इससे, टोटल परचेज कितने की इस साल, जो नई मेडिसिन खरीदी वो हुई 39,500, ठीक है। इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक लगाया 12,000 रुपये की, और मेडिसिन ऐड हो गई पिछले साल की बची हुई, टोटल मेरे पास मेडिसन्स हो गई थी कितने की, देखो यूज़ करने के लिए कितने की अवेलेबल थी मेडिसन्स, 51,500 रुपीज़ की। तो क्या मैंने सारी यूज़ कर ली, नहीं की ना, मेरे पास बचा हुआ स्टॉक है 7,000 रुपये का, वो मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया अमाउंट ऑफ मेडिसन्स कंज्यूम, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इस टाइप का, वो एक 3 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको फाइनल ये आंसर निकालना होता है, प्लस माइनस आप वैसे तो जैसे मर्जी सीक्वेंस में कर सकते हो, बट मैं यही कहूँगी कि आप इसी सीक्वेंस में करना, ताकि आपको कम से कम ये पता रहे कि बीच के स्टेप का कोई फिगर तो नहीं दे रखी, वो उलझन नहीं होनी चाहिए। तो ये और नहीं तो ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करना है, तो दो चीज़ आपको क्लियर हो गई है। चलो अब ये मैंने एक फुल क्वेश्चन करवाया आपको,
रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बना है. एक तो मैंने विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के करवाया था ना. अब आप यही ध्यान रखना कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो आपको रेवेन्यू को उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा अप्रूवल को. और अगर आपको दो चीज़ें तीनों चीज़ें बनानी हो तो ध्यान रखना वही कंसेप्ट चलता है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें हैं वो दो जगह जाएंगी, दो जगह एडजस्ट होंगी. ये आपको कंसेप्ट हमेशा, क्योंकि हमारा ये जो एनपीओ का अकाउंटिंग है वो भी ड्यूअल एस्पेक्ट है, ठीक है, तो एक ही जगह नहीं होगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताओ, देखो क्या क्या जाएगा. देखो सब्सक्रिप्शन है, अलग अलग दे रखी है, बताओ कौन सी जाएगी. अच्छा इसमें देखो शुरू हुआ बैलेंस सीडी बैंक में, ये जाएगा क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नो मैम, नहीं जाएगा, है ना. सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में मैम कौन सी ईयर का बना रहे? देखो मार्च 31, 2015 2013 की दे रखी है, 14 की दे रखी है, 15 की दे रखी है. कौन से ईयर की आई यहाँ पर? 15 का मतलब क्या आई है? 14, 15 है ना. तो यहाँ पर आप कौन सा अमाउंट लोगे इनमें? आपका इनकम में कौन सा अमाउंट जाएगा बताओ? 2014-15 का. तो 14 वर्ड इन्होंने लिखा है ना, वैसे तो इनकी लिखने की मिस्टेक है, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल लिया है. तो ये 2014-15 लिखा होना चाहिए. और वैसे भी 2014 अगर आप 31 मार्च 2015 को बना रहे हो तो इसमें 14 की आइटम्स ही आएंगी, है ना. तो 10,000 रुपये कहाँ जाएगा आपका? इनकम में. इनकम में होगा ना वो तो? नहीं नहीं, वो उन्होंने अलग अलग साल करके दे रखे हैं उसमें. देखो अलग अलग मार्ट दिए ना, या तो आप टोटल लो 12,000 से शुरू करो, उसमें से इन दोनों को माइनस करो, या आप सीधा बीच की फिगर उठा लो जो उस ईयर की रेलिवेंट फिगर है वो उठा लो, ठीक है. तो देखो ये हमने सब्सक्रिप्शन ले ली 10,000. 400 कहाँ से आया? ये मुझे यहाँ से पता चला. देखो सब्सक्रिप्शन एक्रूड, एक्रूड का मतलब वही है कि हमारी ड्यू हो गई है, रिसीव नहीं हुई है. 400 रुपये वो मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है. अब चलते हैं और देखो मैम, एक्रूड एरियल और आउटस्टैंडिंग दोनों ही हो सकते हैं. एक्रूड, वैसे तो हम एक्रू वर्ड ना ज़्यादातर उसमें रखते हैं अपनी इनकम्स के बारे में. एक्रू का मतलब यही होता है कि आपका, आपने वर्क, आपकी, आपका क्लेम बन गया है. क्लेम कब बनता है? जब आप काम कर देते हो या आपका एग्रीमेंट का टाइम होता है, ठीक है. एक्रू और ड्यू अलग अलग होते हैं. एक्रू ये ड्यू भी हो गया अमाउंट, ठीक है. एक्रू एंड ड्यू, एक्रू का मतलब होता है कि आपने काम कर दिया, ड्यू का मतलब आपको उस काम के बदले में पेमेंट की डेट आ गई, ठीक है. जैसे हम लोग कहीं पर जॉब करते हैं, पूरे महीने हम जॉब करते हैं, तो हमने एक दिन काम किया, हमारी एक्रू हो गया, हमारी उस दिन की सैलरी हमारी एक्रू हो गई, लेकिन ड्यू नहीं हुई. उन्होंने कहा हम आपको सैलरी दिया करेंगे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो आपकी ड्यू होगी वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है. अगर आप इन बिटवीन जॉब छोड़ देते हो, है ना, तो आपने जितने दिन वर्क किया उतने का आपका क्लेम बनता है ना, तो वो आपको क्लेम, लेकिन वो ड्यू ना होने की वजह से आपको उस टाइम नहीं मिला. तो इस तरह से एक्रू एंड ड्यू की डेट अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं. कुछ चीज़ों में आप काम करो साथ साथ पेमेंट है तो वो एक्रू एंड ड्यू साथ साथ हो जाता है. जैसे आपके यहाँ प्लम्बर आया, उसने काम किया, तो एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, आपने तुरंत पेमेंट कर दी. तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन एक्रू 400 रुपये ऐड हो गई. अब अगला देखो डोनेशन, क्या होना चाहिए. अब नीचे देखो क्या डोनेशन के बारे में कुछ कहा तो नहीं है उन्होंने कि डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कैपिटलाइज करने, कुछ कहा तो नहीं है? नहीं कहा ना. अब आप देखो डोनेशन यहाँ जाएगी, ठीक है. अब और देखो हॉल रेंट क्या होना चाहिए. एक्सपेंडिचर साइड है ना हॉल रेंट. हॉल रेंट, हॉल रेंट देखो कहाँ पर है, एक्सपेंडिचर साइड है. हॉल रेंट कहाँ पर है मैम? इधर है, डेबिट साइड है. डेबिट क्रेडिट नहीं, रिसीप्ट साइड है. मैम इसमें लिखा है, कहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर? लेकिन वो रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये इन्होंने वही ना, ये थोड़ी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स है. ये रिसीप्ट नहीं है, आपको पता है ना रिसीप्ट एंड पेमेंट में ये सारी चीज़ें रिसीव ही तो हुई हैं. आप ऊपर की हेडिंग मत देखो ये, अच्छा मैं ठीक कर दूंगी इसको. ये मैंने एज इट इज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को ले रखा है ना. तो ये हॉल रेंट क्या है? ये रिसीप्ट है, तो ये इनकम है, है ना. और ये एक्रू इनकम है ना, रेकरिंग नेचर की है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी? अ
अच्छा रुको 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 हॉल रेंट तो नीचे को जो दिए थे, ये क्या चक्कर हो रहा है इनका, क्या कश पे सारी रिकॉर्डिंग ऐसी खराब हो गई इस चक्कर। चलो देखते हैं, ठीक है अभी मैं इसके ना आगे का क्वेश्चन का आंसर लाती हूँ। इन्होंने इनकी मिस्टेक है ये, क्या हुआ है ना ये देखते हैं। हाँ क्योंकि हॉल रेंट, हाँ देखो हॉल रेंट ना नीचे ले रखा है इन्होंने, नीचे आ गया 300 रुपये का। यस ठीक है। अच्छा इसके बाद हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इनकम है ना। अब एक बार देखो बैंक डिपॉजिट्स हैं कहाँ पर, उसके ऊपर क्या इतनी ही इनकम होनी थी, वो कैसे पता चलेगा आपको, कहीं बैंक डिपॉजिट्स देखो दे रखा है बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल रुपीज 150, उसमें से रिसीव कितना हुआ है 450 रिसीव हो गया है, तो इसका मतलब अभी हमारा 150 आउटस्टैंडिंग है। तो आप यहाँ पर इसको 600 रुपये दिखाओगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमें कैसे पता चला, यहाँ तो दे नहीं रखा। अब हम इधर चलते हैं पेमेंट साइड, परचेज ऑफ फर्नीचर 1/7/14 को 5000, ये हमारा खर्चा नहीं है एसेट है, ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर देखो डेप्रिसिएशन तो नहीं है, मैम है शायद एडजस्टमेंट में है, देखो 10% पर है, 10% ठीक है। तो आपका अच्छा ये देखो 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ये क्वेश्चन में जब क्लियर दे रखा है तो देखो एंट्रेंस फी है इसमें ये रही है ना 50% कैपिटलाइज्ड, 250 तो इधर आएगा 250 जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। चलो और देखो अब यहाँ पर चलते हैं, फिर यहीं चलते हैं क्योंकि हमें सिस्टम से क्वेश्चन उठाना है, ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी से जो मर्जी लिखते रहें। सैलरीज, सैलरीज जाएंगी 2000 एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब इसकी देखो नीचे देखो सैलरीज के बारे में कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है 15 से, तो वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसिस 300 रुपये खर्चा है, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, नहीं है तो एज इट इज चला गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 रुपये, पोस्टेज और एंड स्टेशनरी, अब देखो क्या इसका कोई स्टॉक बचा हुआ है, स्टेशनरी का स्टॉक हो सकता है, हो नहीं है, नहीं है तो वो पूरा खर्चा, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900 रुपये, देखो इसके बारे में दे रखा है आउटस्टैंडिंग 500 रुपये, वो आपके यहाँ पर ऐड करके चले गए, ठीक है ना। अभी ये हमने काम करवा लिया, पैसे बाद में देंगे तो खर्चा तो हो गया ना। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए 5% इंटरेस्ट वाले, तो ये जो हमारा 5000 रुपये है ये हमारी एसेट है, लेकिन इसके ऊपर होने वाली इनकम वो इनकम में भी जाएगी, और क्योंकि रिसीव नहीं हुई है या तो रिसीव हो जाती है, यहाँ पर दिखा देते कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो नहीं दिखाई ना, तो इसका मतलब वो मुझे खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बैलेंस शीट भी बना रही होती तो वहाँ पर मैं इसका 5 अमाउंट दिखाती, अभी मैं यहाँ यहीं दिखा रही हूँ। देखो ये गवर्नमेंट बॉन्ड कब खरीदे हैं, 1/10/14 को, है ना, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए इंटरेस्ट बताओ, 8000 का 5% 400 रुपये, 6 महीने का 200 रुपये, 6 महीने का मिलेगा ना, तो देखो ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपये मिल गया ना। इस तरह से आपको करना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप कैलकुलेशन कर रहे हो, वो तो आपकी देखो इनकम में जा सकती है, बाकी यहाँ से सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंडिचर में जा रही हैं या एसेट्स में जाएंगी, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 रुपये के आ गए पूरे इधर, और बाकी बैलेंस सी डी वी डी वहाँ जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखो सारी हो गई हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग हम कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर चुके, बैंक इंटरेस्ट कर चुके, सब्सक्रिप्शन कर चुके, सारा कर लिया हमने। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डाल चुके क्या, नहीं डाला था ना, हाँ डालना है अभी। 1/7/14 को फर्नीचर खरीदा है, और देखो पर है ना मैं क्या, हाँ जी पर है ना, है ना, तो हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट डालना है 10%, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आपने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 375 रुपये, ठीक है, बस इसके बाद आपने कैलकुलेशन करना बैलेंस कर, हाँ तो इजी रहेगा। देखो ये क्वेश्चन आपका पेपर में ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का भी आता है, पेपर में आजकल इस तरह से कर रहे हैं कि 3 नंबर का तो आपको दे दिया एक वो वाला क्वेश्चन, कंज्यूमेबल वाला या सब्सक्रिप्शन वाला, 6 मार्क का ओनली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए दे दिया, ये 6 मार्क का है,
इजी लग रहा है ना, बस 6 मार्क का ही है और 1 मार्क की आपकी कोई थ्योरी, एक छोटा क्वेश्चन वैसे दे देंगे वो एमसीक्यू में, वो ऐसे आप सैंपल पेपर में देखना किस तरह से। पर मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ऐसे ही आएगा, हो सकता है कि बैलेंस शीट बनाने वाला भी साथ में आ जाए। क्वेश्चन है उसमें हमने खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कौन बनाया तो कितने मार्क्स होंगे उसके। बेटा ये ना जो मार्किंग स्कीम बनती है ना, ये डिपेंड करता है कि एंट्रीज कितनी है, वो मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं होती। मार्किंग स्कीम जो है हमेशा जब पेपर हमारा सेट हो जाता है, पेपर बच्चे कर लेते हैं, तब बैठकर कुछ टीचर्स का ग्रुप बैठता है अलग अलग स्कूल्स के, ये नहीं कि सिर्फ हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल, अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स बैठते हैं बहुत सारे, और वहाँ बैठकर डिस्कशन होता है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी देखा जाता है, क्वेश्चन में एंट्रीज कितनी होंगी ये भी देखा जाता है, उसको देखकर फिर हमें बताया जाता है कि किस चीज़ पर कितने मार्क्स होंगे। एक सेकंड